एक छोटा सा गांव में एक राधा और उसके बेटे दोनों रहते थे। उसके पति का देहांत हो चुका था। बहुत गरीब थी, खाने के लिए दुर्लभ था। एक दिन अचानक वो जा रही थी, उसकी सहेली मिली। राधा की सहेली रामा थी। अरे रामा, जरा अपने हाथ की पकौड़ी तो खिला दे। तेरे हाथों में जो स्वाद है, वैसा स्वाद मैंने कहीं और नहीं देखा। तू भी ना रामा, अभी बना कर लाती हूँ। राधा रामा के लिए पकौड़े लाती है। रामा खाकर बहुत खुश होती है। वाह वाह, क्या स्वाद है बहन, मजा ही आ गया। ऐसे पकौड़े तो सिर्फ तू ही बना सकती है। क्या जादू है तेरे हाथों में, तुझे तो किसी होटल का मालिक होना चाहिए। राधा अपनी तारीफ सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। ऐसी ही तारीफ मेरे पति भी किया करते थे रमा बहन। तब हमारी हालत भी अच्छी थी, हम भी पैसे वाले हुआ करते थे। लेकिन अब तो ये खाना बनाने का हुनर किसी काम का नहीं रह गया। तारीफ तो मिलती है लेकिन पैसा नहीं मिलता। राधा के बात सुनकर रामा बोलती, तू भी ना राधा, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। मेरा मन तेरा दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन अगर तू चाहे तो अपनी मदद खुद कर सकती है और खूब पैसे कमा सकती है। सच में रमा बहन? भला वो कैसे? पैसे तो मैं खूब कमाना चाहती। रामा राधा को एक दुकान खोलने के लिए कहती है। पहले राधा मना करती है, फिर बाद में राधा मान जाती है। ठीक है रमा बहन, जब तुम इतना विश्वास कर रही हो मुझ पर, तो मैं ये दुकान जरूर खोलूंगी। लेकिन तुम्हें भी अपने लगाए हुए सारे पैसे वापस लेने होंगे जब मेरी कमाई होनी शुरू हो जाए। राधा रामा को पैसा देती है और पकौड़े की दुकान खोल देती है। उसके स्वाद से पूरा हर जगह उसका नाम होता है, बहुत दुकान चलने लगता है। वाह वाह, क्या स्वाद है राधा बहन के पकौड़ों का, जवान लपलपाने लगती है नाम सुनते ही। मजा आ गया। हाँ तो भैया खा लो ना, जी भर के खा लो, कौन रोक रहा है क्या तुम्हें है? लेकिन जरा संभल कर खाना, कहीं सुबह के समय जलन ना होने लगे। राधा की दुकान बहुत चलता है, धीरे धीरे बहुत तरक्की हो जाता है। रामा का पैसा धीरे धीरे राधा चुकाती है। रामा का भाई मुन्ना आता है राधा के दुकान पे। राधा बहुत खुश होती है। अरे मुन्ना भैया, आप आओ आओ, मेरी दुकान के तो भाग्य खुल गए जो आप यहाँ आए। तुम भी ना राधा, क्यों शर्मिंदा कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अपने पकोड़े खिलाओ, बहुत तारीफ सुनी है, जरा हम भी तो चखें। राधा मुन्ने को पकोड़े देती है। मुन्ना बहुत स्वाद से खाता है और चला जाता है। अरे वाह, इस भिखारन राधा की भी मस्त किस्मत है, क्या दुकान चल रही है। क्यों ना मैं भी इसके बगल में एक दुकान खोलूं, थोड़ा मॉडर्न लुक में खोलूंगा तो इससे अच्छी ही चल जाएगी। फिर इस भिखारन को क्या पता कैसे बिजनेस किया जाता है। अगले दिन मुन्ना चुन्नी लाल को, जो चुन्नी लाल राधा का नौकर होता है। आओ आओ चुन्नी लाल बैठो। मालिक आप भी मजाक अच्छा करत हो है? अरे आप कहाँ हम कहाँ, बताओ वैसे हम आपके क्या काम आ सकते हैं, बताओ। अरे कहाँ के मालिक चुन्नी लाल, हम असली मालिक तो तुम हो, क्या पकौड़े बनाते हो और सारी तारीफ वो मनहूस राधा ले जाती है। अब सही कहा था मालिक, हम तो कब का ढाबा छोड़ देते, लेकिन हमको कौनो नौकरी नहीं देता, नहीं तो हम भी क्या करें भैया। मुन्ना चुन्नी लाल को अपने पास बुला लेता है, राधा के आगे अपना एक दुकान खोल देता है। लोग खाते हैं लेकिन तारीफ नहीं करते। राधा का दुकान वैसे ही चलता रहता। उधर से लोग आते हैं गांव से और पहुंचते हैं मुन्ना के दुकान पर। तभी कुछ आनाखानी होती। थू, ये पकौड़े हैं या गाय का गोबर, सारा मूड ही खराब कर डाला। अरे मुन्ना, इससे ज्यादा स्वाद तो मेरी गाय के गोबर में है। हाँ। गांव वाले की बात पर गांव वाले लगते हैं हंसने। तभी मुन्ना को बहुत गुस्सा आता है और गांव वालों को जाकर धक्का दे देता है। गांव वाला गिर जाता है। क्या बोला बे, गाय का गोबर, भला अपनी शक्ल देखी है, बिल्कुल दरियाई घोड़ा लगता है। मुन्ना के बात पर बाकी गांव वाले उसे मुन्ना को बहुत मारते हैं। अरे साथियों मारो इसे, मार मार कर इसकी चटनी बना दो, अपने सड़े हुए पकौड़ों के साथ पड़ा रहेगा। गांव वाले मुन्ना को मारपीट कर चले जाते हैं। मुन्ना बेहोश होता है।
तभी उधर से चुन्नी लाल आता है और देखता है और पानी का छींटा मारकर उसे उठाता है। अरे मालिक, आपको कौन ऐसे पागल कुत्ते की तरह मार कर चला गया? अगर मैं यहाँ होता तो उनकी चटनी बना देता। बस कर चुन्नी लाल, कहीं तेरी बात सुनकर वो फिर से ना आ जाए। जल्लाद कहीं के बहुत मारा कम वक्तों ने। हाय रे, मर गया रे। अब तो इस राधा का इलाज करना ही पड़ेगा। सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। मेरी दुकान भी नहीं चल रही। सही कहा था मालिक, ये मनहूस ही सब समस्याओं की जड़ है। बस आप चिंता ना करो, मैं ही कुछ करता हूँ। कुछ करना है तो उस मनहूस को इस दुनिया से हटा दे, ताकि मेरा और तेरा कुछ भला हो सके। नहीं तो मेरी दुकान और तेरी किस्मत बंद होने में समय नहीं लगेगा। मुन्ना और चुन्नी लाल एक योजना बनाते हैं और जाकर राधा के दुकान और घर में आग लगा देते हैं। राधा जलकर बहुत बड़ी चुड़ैल हो जाती है और फिर उधर दोनों बात करते हैं। वाह मेरे चेले वाह, तूने तो कमाल कर दिया। अपनी तरक्की के लिए दुश्मन को ही रास्ते से हटा दिया। वाह 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 वाह, अब तो हम खूब नोट लूटेंगे, हमारी दुकान भी खूब चलेगी। हाँ, सही कहा था मालिक, मजा आ गया। बस थोड़ी सी आग लगाई और सब जल गया। दोनों को बात करते हुए चुड़ैल पूरी बात सुन लेती है और गुस्से में, तो ये सब इन दोनों का किया धरा है। मैं कब से भगवान को कोसे जा रही थी। मैं इन दोनों लालची दुष्टों को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन पहले मुझे अपने नंदू के लिए सिर छुपाने का इंतजाम करना। ऐसा करके राधा चुड़ैल अपने रामा सहेली के पास जाती है। रामा धमक से ही जग जाती है। कौन है, सामने आओ। चुड़ैल रामा के सामने आती। रामा मेरी बहन, डरो मत, मैं हूँ राधा। राधा, लेकिन तुम तो जल गई थी उस आग में जो तुम्हारे घर में लग गई थी। हाँ मैं जल गई थी मेरी बहन, लेकिन वो आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। फिर चुड़ैल रामा को सारी बात बताती है। ये तो उन दोनों ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ राधा, तुम उन दोनों दुष्टों को उनके किए की सजा जरूर देना, फिर चाहे उनमें से एक मेरा भाई ही क्यों ना हो। और रही नंदू की बात, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं उसकी अपने बच्चों जैसी ही देखभाल करूंगी। धन्यवाद रमा बहन, तुमने मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतार दिया, अब मैं उन दुष्टों को सबक सिखा के रहूंगी। फिर चुड़ैल वहां से निकलकर चुन्नी लाल के दुकान पे जाती है और वो पकौड़े तल रहा था जिसमें गरम गरम तिल होता है, वहीं चुड़ैल पहुंचती है। बहन कौन हो तुम, पकौड़ा खा लो, हम बहुत अच्छा पकौड़ा बनाता हूँ। हाँ। आज मैं पकौड़े खाने नहीं बल्कि बनाने आई हूँ। चुड़ैल गरम तेल में चुन्नी लाल को डाल देती है। जैसे पकौड़ा तला जाता है वैसे चुन्नी लाल तड़प तड़प कर जान दे देता है। अरे ये क्या हुआ, ये पकौड़े की कढ़ाई में चुन्नी लाल कैसे कूद गया? कूदा नहीं, मैंने तला है इसको, आखिर मैं अपना हुनर कैसे छोड़ दूं? राधा तुम, अरे माफ कर दो राधा रानी, गलती हो गई, मुझे मत तलो, माफ कर दो। करती हूँ, पहले तू भी तो थोड़े से पकौड़े खा ले। चुड़ैल मुन्ना को खोलते हुए तेल में डालकर पकौड़े की तरह तल देती है और हमेशा के लिए चली जाती है। और मुन्ना और दोनों उसी कराह में मर जाते हैं और हमेशा के लिए चुड़ैल चली जाती है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट।